चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से मिल रही है, लापता हो गई हैं दो बहनें। दरअसल गुरुवार शाम 5 बजे घर से साथ में निकली थी। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। 12 वर्षीय आयशा और 8 साल की है सारिया, दो बहनें हैं। सीसीटीवी में सामने आई ये तस्वीर, जरा देखिए दोनों महज छोटी छोटी, एक 12 वर्षीय है और एक 8 साल की है, गुमशुदा है। दोनों की तलाश में रात भर पुलिस ने सर्च अभियान भी चलाया, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पिता आरिफ वसीम ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। संतोष सागर कॉलोनी में शनि मंदिर के पास से लापता की खबर है। ये तब का सीसीटीवी है जब ये घर से बाहर निकली थी, और शंकर कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में ये दोनों बहनें नजर आ रही है। सत्यनारायण हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सत्यनारायण, ये सीसीटीवी में दोनों बहनें नजर आ रही है, क्या इसके बाद का कोई सीसीटीवी, कोई अपडेट आया, कुछ पता चल पाया इन दोनों का? देखिए अभी तक पूरी रात से पुलिस ने ऑपरेशन चला रखा है, लेकिन अभी तक दोनों बहनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। दोनों बहनों की जो उम्र है काफी कम है, एक 12 वर्षीय आयशा है बड़ी बहन, और छोटी बहन सारिया है वो 8 साल की है। तो दोनों बहनों के पिता और सहित जो आसपास के लोग हैं वो तमाम लोग दोनों बहनों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बहनें की उम्र कम है। ऐसे में कुछ चाहते कि कोई गलत घटना हो जाए या फिर बहनें कहीं और चल जाए, तो ऐसे में पूरे जयपुर शहर के अंदर दोनों बहनों की तस्वीर भेजी गई है। तमाम जो प्रदेश के थाने हैं वहां पर दोनों बहनों की तस्वीर भेजी गई है, और पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि दोनों बहनों की अगर कोई सूचना मिलती है तुरंत प्रभाव से पुलिस सूचना दे, जिससे कि दोनों बहनों के जीवन बचाए जा सके। हालांकि पूरी रात से पुलिस ने ऑपरेशन चला रखा है, अभी तक दोनों बहनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। 108 टीमें पुलिस की पूरे जयपुर शहर के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उनकी फुटेज खंगाल रही है, जिससे कि दोनों बहनों को। सत्यनारायण, वाकई में ये मामला बेहद गंभीर है, एक साथ दो बहनों का लापता होना और महज दोनों कम उम्र है और अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, ये कैसे संभव है? कोई सुराग कुछ तो पता चल पाया, लेकिन ये सीसीटीवी जो है फुटेज है उसमें दोनों बहनें जो नजर आ रही है, बेहद उनका अभी मूड कहें या नेचर कहें या फेस के एक्सप्रेशंस कहें, वो नॉर्मल लग रहे हैं। घर वालों से पता चल पाया कि वो किस लिए दोनों साथ में बाहर निकली थी, क्या कुछ जानकारी लग पाई है, वो जा कहां पे रही थी, किससे मिलने जा रही थी? देखिए अभी तक दोनों बहनों की बात बात करना है कि घर पे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि दोनों बहनें घर छोड़कर चल जाए। हालांकि जो दोनों बहनों के चेहरे सामने हैं सीसीटीवी फुटेज के अंदर, उसको दोनों बहनें नॉर्मल लग रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी नॉर्मल बता रही है, लेकिन कल शाम को एक घटना है 5 बजे की, उसके बाद में रात को अंधेरा हो गया था। ऐसे में पुलिस टीम को सीसीटीवी कैमरों की फुटेज नहीं मिल पाई। ऐसे में अब सुबह का जो आज सूरज निकला है, हो सकता है कि आज पुलिस को सफलता मिल जाए और दोनों बहनों को बचाया जा सके, उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा सके। लेकिन करीबन 108 पुलिस की टीमें लगातार कोशिश कर रही है दोनों बहनों को तलाश करने की, और साथ साथ पुलिस ने भी लोगों से अपील करी है कि दोनों बहनें कहीं भी दिखे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे सार्वजनिक स्थल हो, तुरंत वहां से सूचना पुलिस को देवे, जिससे कि दोनों बहनों को बिल्कुल अलग अलग पहलू है। क्या घर में कोई लड़ाई तो नहीं हुई थी, क्योंकि आजकल के बच्चे जल्दी नाराज हो जाते हैं, इस तरीके के फैसले ले सकते हैं। उम्मीद यही कि सकुशल वापस घर लौट आए। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए।